Hi everybody, absolutely pleasure to be here with Royal Voyager Abhijit Roy. Please come in. On an unplanned mission, I'm Jaina ki kochin, whatever he's up. I myself don't know. But I believe he's going away for quite a few months. And I'm assuming within the country? Yeah. Okay, so within the country, so he has not taken his passport, he doesn't have visas, so good. So we'll follow this gentleman and all our best wishes and good luck and, you know, hope you have a wonderful time thank and you, gets thank a you. Lifetime of memories back for thanks us. Thanks a lot. Thank and you. And we look so forward much. To seeing all your vlogs. Thank you. As usual, all the best, Ovidya, for your ride and keep on making us proud of by your ride. I must say one thing. He is my inspiration for ride. My first inspiration is he and then my wife. রুটটা তো কেউই জানে না আমি জাস্ট একটু শুনেছি আই থিংক এবার দেখা যাক কোথায় যাবে সিরিয়াসলি এটা কিন্তু কেউই জানে না সারপ্রাইজ রাইড তাহলে সারপ্রাইজ মানে নিজে জানে না কিন্তু আচ্ছা নিজেও জানে না নিজেও জানে না সারপ্রাইজ আমি দিই না সারপ্রাইজ আমি দিই না বাট আমি নিজেও জানি না সত্যি আমি নিজেও জানি না আর বাড়িতে অনেকদিন ধরে প্ল্যান চলছিল যে কোথায় যাবো এখানে যাবো ওখানে যাবো এখানে যাবো লাস্ট টাইম ডিসাইড করলাম না আগে বেরিয়ে যাব রাস্তায় তারপর দেখা যাবে বেরিয়ে গিয়ে দেখা যাবে দরকার পড়লে টস করব জো হোক আর দেখা যাবে ভেরি সুন উই আর গোইং টু সেলিব্রেট 75 ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সো আই ডেডিকেট দিস রাইড বা টু সেলিব্রেট ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক সো দিস ইজ মাই মোটো অফ দা রাইড এডুকেশন ইজ আওয়ার রাইট এন্ড স্টপিং চাইল্ড লেবার ইজ আওয়ার ফাইট একদম সো দ্যাট উই ক্যান মেক আ ওয়ান্ডারফুল ইন্ডিয়া आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रॉयल वॉयजर
फिर से मैं निकल पड़ा और इस बार मैं निकल पड़ा एक अनप्लान राइड में, मतलब मेरा कोई प्लान प्रोग्राम नहीं है। हर बार मैं प्लान करके निकलता हूँ कि कहाँ जाऊँगा और मेरा डेस्टिनेशन कहाँ तक रहेगा या फिर मेरा राइड का डेस्टिनेशन कहाँ तक रहेगा, लेकिन इस बार मैं कुछ प्लान वगैरह कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली काम का वजह से थोड़ा बिजी था, उसके वजह से राइड नहीं हो रहा था, तो उसीलिए मैंने सोचा कि चलो निकल पड़ते हैं, उसके बाद रोड में निकल के प्लान किया जाएगा। फिलहाल तो मैं पहुंचा हूं धनबाद, कल रात को आकर धनबाद में पहुंचा और धनबाद में मैं हूं वही मुस्कान होटल पे, और सुबह सुबह मुझसे मिलने आ गया मेरा बचपन का दोस्त पिंटू बाबू। हाय। तो पिंटू बाबू को तो आप लोग पहले भी देखे हैं मेरा ब्लॉग में, और मेरा हर बड़ा राइड धनबाद से शुरू होता है, और कुछ देर के अंदर में छुटकुन भी आने वाला है और निकलेंगे। अभी निकल के हम लोग कुछ खाना वगैरह खाएंगे, तो क्या खाएंगे अभी हम लोग? हम लोग जाएंगे स्पेशल मटन खाने, बहुत फेमस है तिवाड़ी का होटल धनबाद में, बहुत पुराना है और बहुत फेमस होटल है मटन के लिए, तो आज तिवाड़ी का मटन खाने वाले हैं। तो अभी नहा लिया और जा रहे हम लोग लंच करने के लिए। तो मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ, पिंटू का बाइक में चला जाता हूँ, पास में ही है तिवाड़ी, ज़्यादा दूर है नहीं, तो ज़्यादा दूर है नहीं, लगभग 100 मीटर के अंदर में ही है। और आप लोगों को मैं पहले भी बताया था कि धनबाद मेरा जन्म स्थान है, मतलब मेरा बर्थ प्लेस है, और ये सब मतलब ये मेरा पुराना मोहल्ला है, एक्चुअली यहीं पर मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मेरा स्कूलिंग वगैरह सब धनबाद से। तो ये है तिवाड़ी होटल, ऐसे तो है काफ़ी छोटा सा होटल। आगे हम लोग का मॉडल और रोटी भी अभी आने वाला है। अभी भी वही टेस्ट है। मटन रोटी खाने का बाद में अभी थोड़ा मीठा हो जाए। बस बस मलाई चमचम, धनबाद का बहुत पुराना हेरिटेज दुकान है ये ग्रैंड स्वीट, और हम लोग यहाँ पर मतलब बचपन से यहाँ पर मिठाई खाते थे, तो आज पिंटू को मैं बोला कि चलो ग्रैंड स्वीट में ही खाते हैं। और ये दुकान हम लोग का दोस्त का ही है, मतलब जिसका दुकान है वो हम लोग एक ही साथ हम लोग पढ़ते थे। तो सुबह खाना उना खा के ना होटल में जाके सो गए थे, अभी छुटकुन आ गया है और हम लोग जा रहे हैं धनबाद स्टेशन में चाय पीने के लिए। तो अभी आ गए हम लोग धनबाद स्टेशन में रामचरित सिंह का चाय का दुकान है, और यहाँ का चाय पीने से ना दिल दिमाग दोनों मस्त हो जाता है। और पिंटू बाबू भी आ रहा है, तो पिंटू बाबू भी आ गया और अभी चल रहा है चाय पे चर्चा। वेरी फेमस श्री रामचरित्र चाय की दुकान, हमारा यहाँ पे बचपन गुजरा साथ में। सो कुछ चेंजेस वगैरह मैंने करवाया था मेरा तांडव 650 में, आप लोग मेरा पहले ब्लॉग में भी देख चुके हैं तांडव 650 को, तो कुछ चेंजेस वगैरह मैं करवाया था, तो वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो ऑयल जेरिकन है ना 5-5 लीटर का, ये हिमालय का ऑयल जेरिकन है, इसे मैंने फिट करवाया और ये काम किया है चेन गैंग। पर जो पहले जहाँ पर मेरा ऑयल जेरिकन था, यहाँ पर ये दो बैग मैंने फिट करवाया, ये बैग में फर्स्ट एड है
और इसमें टूल्स वगैरह है, कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह है। ये काम मैं करवाया पाल बाबू से। ये पैनियर के अंदर में जो बैग है ना, ये बैग देखिए बिल्कुल पैनियर बॉक्स के अंदर में एकदम फिटिंग हो जा रहा है। अगर मान लीजिए मैं अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहा हूँ और पैनियर खोल के सिर्फ ये बैग ऐसे में निकाल लूँ, तो अगर आप लोग बैग वगैरह बनवाना चाहते हैं या फिर आपका सैडल बैग या राइडिंग जैकेट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम है उसे आप रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो हावड़ा में पाल बाबू का पास चले जाइए। काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ऊपर में उनका नंबर दे दे रहा हूँ, ये उनका नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे ये काम करवा सकते हैं। और ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मतलब कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं है, मैं जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। सो आज तो धनबाद में मैं रह गया था, अभी खाना वगैरह खा लिया, अभी सोने वाला हूँ और कल सुबह सुबह उठ के निकलने वाला हूँ धनबाद से। और कहाँ जाने वाला हूँ ये तो कल बताएंगे, कल का ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पर है। शायद मैं वाराणसी का तरफ कहीं पर जाऊँगा। तो एज़ ये एक अनप्लान्ड राइड है, तो अभी तक कोई प्लान वगैरह मैंने किया नहीं, सच बोल रहा हूँ, कोई प्लान वगैरह नहीं किया। हाँ, मैं टूअर वाराणसी जाऊँगा, इतना मैं डिसाइड किया हूँ। कल सुबह निकलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Prepare to die.